इसके अलावा हम चलेंगे यूके स्क्वाड की तरफ, जो कि हमारा मिनी का स्क्वाड है एंड हमारी वैक्सी का स्क्वाड है। तो आईसी का नॉकआउट निकाल दिया गया, यूके 07 अपनी हेल्थ लगाते हुए आगे तरफ बढ़ेंगे। नॉक निकला रुपाल यहां पे, 7 से ज्यादा दिन का भी नॉक निकला। अगर हम लोग बात करें ओआर वैक्सी, यहां पे जल्दी से अलादीन को रिवाइव देना पड़ेगा। ऊपर की तरफ वैक्सी जाते हुए देखेंगे क्या यहां पे अलादीन सामने की तरफ देखते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। श्रीजू एंड ऑल फुल ऑन अ टाइगर रुपाली, सो यानी कि हमारे यहाँ पे मिनी यूके वर्सेस यहाँ पे हमारे रुपाली टीम ओआर वैक्सी हो रही है। क्या होएगा इस मैच के अंदर, दैट्स हैपनिंग वन प्लेस। सामने वाला पार्ट में क्या एक सबको उधर जाने दो, फिर पीछे भागता दूर नहीं अच्छी। नो नाइस, सामने वाले में स्क्वाड के लिए आए थे। एक और मूवमेंट जो हमें होते हुए दिखाई दे रहा है मिनी यूके एंड ऑल का, तो यासना में चलेंगे मिनी यूके की तरफ। अभी भी मिनी यूके द लोन सर्वाइवर सामने की तरफ है, हमारा पूरा का पूरा ओआर वैक्सी श्रीजू कम से कम 3 से 4 नॉकआउट सबके निकल चुके हैं, जिसकी वजह से अब जब नेक्स्ट जोन में हम जाएंगे थर्ड नंबर फोर्थ नंबर एंड ये टीम अगर हमारे फोर्थ फिफ्थ जोन तक हमें दिखती है ओआर वैक्सी की, तो डेफिनेटली गाइज हम जो नॉकआउट होंगे उसमें अब प्लेयर्स इतने ज्यादा ब्लीड आउट होंगे कि ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। क्लॉटी में एसयू है हमारे क्लॉटी में एमसीयू के बीच में एक और फाइट होते हुए दिखाई दे रहे। मिनी यहां पे ट्राई करेंगे नॉकआउट निकालने का, लेकिन नॉक एंड आईसी का आई थिंक यहां पे बिल्कुल लास्ट मिनट बहुत ही शानदार बच गए यहां पे वाले 7 से ज्यादा दिन को 2 यहां पे लूज कर दिया है जो हम लोगों ने देखा था। बट यहां पे बच गए, मुझे लगा था यहां पे वाले लास्ट वर्सेस लास्ट का फाइट हो चुका था। सर कबर सबर कराए सर सर कब वट एवर।